A very good hello to everyone who is watching my video. My name is CMA Pal Podhar and welcome to my channel. So students, today's lecture will cater around the topic of options terminologies. ये देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक चैप्टर कर लेते हैं बट उसमें ना कोई चीज़ की टर्मिनोलॉजी वहाँ पे हम लोगों को वो टर्मिनोलॉजी या तो याद नहीं आती या तो हम मिस कर जाते हैं. सो आई डिडंट वांटेड यू टू डू दैट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टर्मिनोलॉजीज के साथ अवेयर होना और किसका क्या मीनिंग है. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शंस की चार टर्मिनोलॉजीज है वो मैंने बोर्ड पे सबसे पहले लिखी है. दैट इज अ कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, बायर एंड द सेलर. ठीक है, क्योंकि इस बायर एंड सेलर के बिना तो होने ही नहीं वाला है. एंड यहाँ पे ऑप्शन में जो बायर्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, ऑप्शन होल्डर्स. तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन बायर और होल्डर लिखा है. एंड ऑप्शन सेलर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे राइटर. क्यों यहाँ पे नाम अलग दिया गया है सेलर्स और बायर्स को, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन दैट ऑलरेडी वी डेल्ट विद इन द प्रीवियस वीडियोज. ठीक है, लेट अस जस्ट स्टार्ट एंड सी दैट हाउ अ कॉल इज बीइंग डिफाइंड, हाउ अ पुट इज बीइंग डिफाइंड एंड द अदर टर्मिनोलॉजीज. सो लेट अस स्टार्ट कॉल ऑप्शन. देखिए कॉल ऑप्शन क्या होता है, ये एक अधिकार है, राइट. सबसे पहले ये अधिकार किसको दिया जाता है, बायर को, राइट. लेकिन बायर को किस चीज का अधिकार दिया गया है, खरीदने का. दैट मींस द राइट टू बाय. ठीक है, यहाँ पे बायर को दोनों ही अधिकार मिलते हैं, बाय करने का भी सेल करने का भी. जो बाय करने का अधिकार है उसको हम बोलेंगे कॉल और जो बेचने का अधिकार है उसको हम बोलेंगे पुट. देयर आर टू ऑप्शंस बेसिकली व्हिच इज गिवन टू एवरी बायर. देखिए ऑप्शंस आए किस लिए, बायर के लिए है. ठीक है, तो बायर को दो तरीके के ऑप्शन दिए गए, कॉल और पुट. अब ये दो क्यों दिए गए, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे तो आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं देखे तो अभी आप मैं आपको बता देती हूँ. देखो एक इन्वेस्टर या एक जो भी ट्रेडर है, व्हाट डज ही थिंक्स, इधर द मार्केट विल गो अप और द मार्केट विल गो डाउन, राइट. इफ ही थिंक्स दैट मार्केट विल गो अप, ही विल गो फॉर अ बाय, राइट, बाय द अंडरलाइन. एंड इफ ही थिंक्स द मार्केट विल गो डाउन, ही विल सेल द अंडरलाइन, राइट. इतना बाय और सेल तो पता होना ही चाहिए क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का ही आइडिया है कि जब भी हमको कोई चीज लगती है मार्केट में बढ़ेगी वो हम बाय करते, जब भी कोई चीज हमको लगती है वो नीचे गिरने वाली हम उसको सेल करते. ठीक है, तो अभी बाय और सेल समझना. तो ये बाय और सेल सबको अधिकार मिलना चाहिए ये करने का, हर एक इंसान को. तो इसीलिए ये ऑप्शन हर एक बायर को दोनों ही ऑप्शन दिए गए कि अगर आपको बाय करना है व्हेन द मार्केट गोज अप ही बाय, तो आप कॉल ऑप्शन ले लीजिए. अगर मार्केट गिरा आपको अभी क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तो राइट टू सेल चाहिए आपको. तो आपको राइट टू सेल चाहिए तो आप पुट ऑप्शन लीजिए. दोनों ही अधिकार है, ठीक है, अधिकार यानी कि राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन. बट नॉट द ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या है, आप ऑब्लिगेटेड नहीं हो. अगर एक्सरसाइज डेट या इससे पहले अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्सरसाइज नहीं करना, इट इज टोटली ऑन यू, द ऑप्शन विल गेट लैप्स्ड. ठीक है, इसीलिए आपको कोई फोर्स नहीं है, यू नॉट ऑब्लिगेटेड. बट द सेलर्स हियर, जो अपोजिट पार्टी है वो ऑब्लिगेटेड होती है, वो ऑलरेडी डिस्कस किया है. ठीक है, वो हम देखेंगे नीचे सेलर में भी. तो क्लियर हुआ, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं राइट टू बाय अधिकार खरीदूंगा, और अगर मेरे को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो मैं बेचने का अधिकार खरीदूंगा, दैट इज कॉल्ड अ पुट ऑप्शन. ठीक है, आई हैव अ राइट बट आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड इवन इन द कॉल ऑप्शन एंड इवन इन द पुट ऑप्शन इफ आई एम टेकिंग द बायर्स पोजिशन. प्लीज रिमेंबर दैट. ओके, देखिए अ कॉल ऑप्शन गिव्स द होल्डर मीन्स बायर. ठीक है, बायर को यहाँ पे होल्डर भी बोला गया है और सेलर को यहाँ पे राइटर्स बोला गया है. ठीक है, तो कॉल ऑप्शन गिव्स द होल्डर द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय एन अंडरलाइन असेट बाय अ सर्टेन डेट एंड फॉर अ सर्टेन प्राइस. ठीक है, ये तो डेरिवेटिव का ही है, अंडरलाइन असेट बाय सर्टेन डेट एंड फॉर अ सर्टेन प्राइस. इसलिए तो डेरिवेटिव कर रहे हैं कि हमको आज की डेट पे कल का कोई कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करना है, आज ही वो प्राइस फिक्स हो जाएगा इसलिए सर्टेन प्राइस, और आज ही वो डेट फिक्स हो जाएगी इसलिए सर्टेन डेट. ठीक है, और अंडरलाइन असेट के ऊपर ही डेरिवेटिव होता है, तो ये लाइन तो हमेशा फिक्स रहती है डेरिवेटिव में. आप कोई भी डेफिनेशन देख लीजिए, फॉरवर्ड देख लीजिए, फ्यूचर्स देख लीजिए, ठीक है, और क्या ऑप्शन देख लीजिए, कॉल ऑप्शन देख लीजिए, पुट ऑप्शन देख लीजिए, सब में ये लाइन फिक्स रहेगी. ओके, मेन अपना कंटेंट का है कॉल का, राइट टू बाय द अंडरलाइन असेट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय इट. ठीक है, मेन लाइन ये है कॉल की, राइट टू बाय बट नॉट ऑब्लिगेटेड टू बाय. क्लियर, तो आई होप आपको ये कॉल ऑप्शन अभी तक समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको पढ़ा है. ठीक है, कॉल ऑप्शन गिव्स the holder that is the buyer the right but not the obligation to buy an underlying asset at a predetermined date and price. okay, now put. ab put kya hota hai, put bhi buyer ko de rahi hu main. theek hai, bana to mere buyer ke liye hi hai. ye kya adhikar de rahi hu main yahan pe, adhikar to sell. theek hai, yahan pe right to buy diya hai, yahan pe right to sell diya hai maine.
क्लियर। अगर आपको लग रहा है आपको नहीं करना तो आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं, आप निकल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, यू कैन लैप्स इट। ठीक है, तो हमने वो भी देख लिया कि क्या अमाउंट लगता है लैप्स करने के, प्रीमियम अमाउंट ही आपको देना पड़ता है, तो वही आपका ज्यादा से ज्यादा का नुकसान होता है बीइंग द बायर ऑफ द ऑप्शंस। ओके, तो पुट ऑप्शन गिव्स द होल्डर दैट इज द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल एन अंडरलाइंग एसेट बाय सर्टेन डेट एंड फॉर अ सर्टेन प्राइस। आपको ये वर्ड पे यहाँ पे ध्यान देना है, सेल पे और यहाँ पे बाय, बाकी सब कुछ सेम है कॉलर पुट में। ठीक है, लेकिन ये दो वर्ड ही अपोजिट दुनिया हो जाती है, इसलिए कॉल और पुट टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको समझना है पुट ऑप्शन आपको क्या अधिकार देगा, राइट टू सेल बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल। ओके, इफ यू आर अ होल्डर ऑफ द पुट ऑप्शन। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, चलिए ऑप्शन बायर दैट मींस होल्डर, कौन होता है ऑप्शन होल्डर, जो अधिकार ले रहा है फॉर अ सर्टेन प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, जो सेलर को बोल रहा है मुझे तो लिमिटेड लॉस चाहिए और अनलिमिटेड प्रॉफिट चाहिए, जिसके लिए मैं आपको एक प्रीमियम अमाउंट दूंगा और इस ये प्रीमियम अमाउंट के बदले आपको ऑब्लिगेशन होगा मेरे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इसको बोलते हैं ऑप्शन बायर। ठीक है, अ पर्सन हु बाइज एन ऑप्शन टू ईदर बाय, या तो बाय करने का ऑप्शन लेगा वो, और टू ईदर सेल। ठीक है, एंड अंडरलाइंग असेट, बाय करेगा तो वो ऑप्शन को क्या बोलेंगे हम, कॉल ऑप्शन, और अगर हमको सेल करना है अंडरलाइंग असेट तो हमको कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा, पुट ऑप्शन। सो बाय कॉल सेल पुट। ठीक है, आई होप अगर स्टार्टिंग के एक्सप्लेनेशन से आपको ये भी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ओके, ऑप्शन राइटर और द सेलर, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको यह नहीं पता कि ऑप्शन राइटर और सेलर बेचारा है भी, कभी कभी तो ऐसा भी होता है, सबको लगता है सिर्फ बायर्स है और कॉल पुट से बायर्स ले रहे, एक ही पार्टी कैसे रहेगी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, या तो कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे ही कर देते कॉल और पुट होता है, एक को बायर और एक को सेलर बना के एक दूसरे को बिकवा देते, ऐसा नहीं है। मैंने चार्ट में आपको एक चार्ट बताया था इसके पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट था वो पूरे ये सारे डेरिवेटिव्स में से, उसमें कॉल और पुट था, कॉल के अंदर भी बायर सेलर था और पुट के अंदर भी बायर सेलर था। ठीक है, तो दोनों में बायर और सेलर होते, जो बायर होते उनको प्रिविलेज मिलता है ये ऑप्शन लेने का, ठीक है, राइट मिलता है, बट उनको ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन किसको ऑब्लिगेशन है, सेलर। ठीक है, अब ये ऑप्शन राइटर कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अधिकार को बेचा, कौन कौन से अधिकार, कॉल का भी अधिकार और पुट का भी अधिकार, राइट, कॉल को बेचा, पुट को भी मैंने बेचा, राइट, ये दोनों बायर है तो मैं सेलर होंगी, सामने अगर बायर है तो सेलर तो होगा ना, राइट, दैट मीन्स अ पर्सन हु राइट्स और सेल्स द ऑप्शन इधर अ कॉल और अ पुट टू द ऑप्शन बायर। मैं ऑप्शन बायर को या तो कॉल खरीद रहा है तो मैं कॉल बेच रही हूँ, वो पुट खरीद रहा है तो मैं उसको पुट बेच रही हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए, अब ये सेल और बाय थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा कि आपको बाय सेल और बाय, देखिए अब कॉल और पुट में जो बायर है वो राइट टू बाय भी ले रहा है और राइट टू सेल भी ले रहा है, राइट, तो जब वो बाय करने का अधिकार खरीदेगा तो सामने वाला सेल करेगा, राइट, और जब ये सेल करने का अधिकार खरीदेगा, राइट टू सेल, तो सामने वाला क्या करेगा, उसको बाय करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे सारी प्रॉब्लम होती है, मुझे भी बहुत हुई थी, तो इट्स ओके, यू हैव टू रिपीटेडली सी लिटिल वन और टू टाइम्स सो दैट यू कैन यू नो अंडरस्टैंड इट इन अ वेलोअर्स मैनर। ठीक है, देखिए अब कॉल में क्या करेगा, ये सेलर बेचेगा, तो ही सेल्स इन द केस ऑफ कॉल, ही बाइज इन द केस ऑफ पुट, क्योंकि सामने वाला बेच रहा है इसलिए इसको खरीदना पड़ेगा, सेलर है तो भी खरीदना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कॉल पुट इसी स्ट्रक्चर से बनाया गया है, इसलिए दो ऑप्शंस नाम दे दिए गए सो दैट नो वन गेट्स कंफ्यूज्ड। ओके, सो ही इज ऑब्लिगेटेड टू सेल और बाय, सेल इन व्हाट केस, कब बेचेगा, कॉल में, और पुट में क्या खरीदेगा, ये खरीदेगा। ठीक है, सो आई जस्ट होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फोर टर्मिनोलॉजीज विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ द होल ऑप्शंस। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ऑप्शन राइटर क्या होता है और होल्डर कौन होता है, तो आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। विल कंटिन्यू विथ मोर टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, लेट्स सी, लेट अस कंटिन्यू नाउ विद द ऑप्शंस टर्मिनोलॉजीज। द फिफ्थ टर्मिनोलॉजी स्पॉट प्राइस, सेम एज इन द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वी हैव ऑलरेडी डन। स्पॉट प्राइस क्या होता है, जो भी अंडरलाइंग असेट आप डील करने वाले हैं, ठीक है, उस असेट का जो भी करंट मार्केट प्राइस है उसको हम बोलेंगे स्पॉट प्राइस। ठीक है, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग असेट। ठीक है,
The price at which the underlying asset trades in the spot market is called as spot price. Same in the futures, same in the options. ठीक है. Now the next terminology, very 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 important in options. Exercise or the strike price. देखिए अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें पे ऑफ ये सब जिसमें कराया है उसमें एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है पर्टिकुलरली बताया है आपको. ठीक है. एक्सरसाइज प्राइस इज द एक्चुअल प्राइस जिसपे आप डिसाइड करते कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में जाना है कि नहीं जाना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. 32,000 का गोल्ड पर 10 ग्राम अब है. ठीक है. ये स्पॉट मार्केट पे चल रहा है. आपने एक ऑप्शन खरीदा 32,500 में. ठीक है. पर 10 ग्राम. ओके. अभी आपने 32,500 का ये एक्सरसाइज प्राइस है तो आपको किस प्राइस के ऊपर डील आपने की है 32,500 पे. अब ये स्पॉट मार्केट का प्राइस आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा बिकॉज आपकी जैसे जैसे एक्सपायरी आने लगेगी आपको डिसाइड करना पड़ेगा यू वॉन्ट टू गो विद 32,500 और नॉट. राइट. ये हक किसको दिया डिसाइड करने का. बायर ऑफ द कॉल और बायर ऑफ द पुट. एक्सरसाइज प्राइस इन शॉर्ट इज द प्राइस एट विच यू आर डिसाइडिंग और डूइंग द डील ऑफ द ऑप्शंस. ठीक है. द फिक्स प्राइस ये चेंज नहीं होगा. आपने आज की डेट पे डिसाइड किया एक महीने का ऑप्शन 32,500 का तो चेंज नहीं हो सकता. वो डील हो गई वो प्राइस पे. ठीक है. द फिक्स प्राइस एट विच द बायर ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन एक्सरसाइज हिज ऑप्शन टू बाय और सेल द अंडरलाइन. सेवेंथ इज ऑप्शन प्रीमियम. अब अभी तक ऑप्शन प्रीमियम आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है. द प्रीमियम अमाउंट इज द अमाउंट पेड बाय द ऑप्शन बायर टू द ऑप्शन सेलर. क्लियर है. ये ऑप्शन बायर को हम ऑप्शन होल्डर भी बोलते हैं. वो ऑप्शन राइटर या सेलर को एक प्रीमियम अमाउंट पे करता है फॉर द ऑप्शन. ठीक है. इट इज द प्राइस एट विच द ऑप्शन बायर पेज टू द ऑप्शन सेलर. चलिए अब द एट वन लॉट साइज. लॉट साइज ऑलरेडी हमने फ्यूचर्स में डिस्कस कर लिया है. ठीक है. क्या है लॉट साइज का मतलब. इतने पर्टिकुलर नंबर ऑफ आपको शेयर्स या जो भी अंडरलाइन है आपको उतना तो लेना ही पड़ेगा. क्लियर है. फ्यूचर्स हो या ऑप्शन हो ये चीज आपको जब आप कैश मार्केट में डील करते हैं जब इक्विटी मार्केट में दैट मीन्स द स्पॉट मार्केट तब ये सब नहीं रहता. ये सब डेरिवेटिव्स में. क्लियर है. डेरिवेटिव में यू हैव टू बाय द लॉट. यू कांट जस्ट बाय वन शेयर और टू शेयर. तो आपको अभी ये सब आ जाना चाहिए कि लॉट साइज क्या होता है. द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स इन पर्टिकुलर लॉट और मिनिमम नंबर ऑफ अंडरलाइन इन अ पर्टिकुलर लॉट. ठीक है. द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एन अंडरलाइन असेट इन द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज लॉट साइज. ओके. लेट अस गो विद द नाइन्थ वन नाउ. एक्सपीरेशन डेट और डे. देखिए ये ऑलरेडी हमने वापस फ्यूचर्स में किया हुआ है. ये क्या होता है एक्सपीरेशन डे या डेट. इट इज द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ एनी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. दिस इज ऑप्शंस नाउ. तो ऑप्शंस का जो लास्ट डे है ट्रेडिंग डे उसको हम बोलेंगे एक्सपीरेशन डे. अब आपको ये भी पता हो जाना चाहिए हमने फ्यूचर्स में पढ़ा था 1 month, 2 month और 3 month ऐसे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं. राइट. हमने अच्छे से किया था वो. एंड अगर नहीं किया प्लीज फ्यूचर्स की टर्मिनोलॉजीज करिए क्योंकि वो एक बेस बनाती है फॉर ऑप्शंस. लेट मी रीड इट. द डे ऑन विच द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चीजेस टू एग्जिस्ट दैट मीन्स उस दिन उस खत्म हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. वो एक्सपायर हो रहा है. द एक्सपीरेशन डेट का मतलब द कॉन्ट्रैक्ट इज गेटिंग एक्सपायर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डेट. ओके. अब ये कौन सी डेट है अगर आपको याद हो फ्यूचर्स में से तो 1 month अगर हुआ फॉर एग्जाम्पल आई एम इन जून. ठीक है. तो 1 month मीन्स जून का लास्ट थर्सडे. ठीक है. द लास्ट थर्सडे ऑफ जून. अगर मैंने जुलाई का लिया है तो जुलाई का लास्ट थर्सडे ऑफ जुलाई. अगर अगस्त का लिया है तो लास्ट थर्सडे ऑफ अगस्त. 3 महीने इस तरह से चलेंगे. ओके. देखिए इट इज द लास्ट ट्रेडिंग डे और डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ओके. लाइक इन फ्यूचर्स ऑप्शंस आल्सो एक्सपायर ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ द एक्सपायरी मंथ. जो भी आपका एक्सपायरी मंथ है 1 month हो 2 month हो 3 month हो उसका लास्ट थर्सडे. ठीक है. एक और चीज यहाँ पे रहती है. यहाँ पे एक चीज ऑप्शंस में एडिशनल रहती है वीकली ऑप्शंस दैट इज नॉट देयर इन फ्यूचर्स. ठीक है. तो ये वीकली ऑप्शंस विल बी एक्सपायरिंग ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ द पर्टिकुलर वीक. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज. लेट अस कंटिन्यू. देयर आर 13 टर्मिनोलॉजीज ऑल टुगेदर क्योंकि ऑप्शंस बहुत बड़ा चैप्टर है बट फिर भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ही ये 13 में डाली है. ठीक है. लेट अस कंटिन्यू विद द 10th एंड 11th एंड 12th एंड 13th. ओके. चलिए स्टूडेंट्स नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द होल वीडियो द 10th 11th 12th एंड द 13th टर्मिनोलॉजी. हमने 10th और 11th सम्स करते टाइम एक बार बात की थी इसके बारे में दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस बिकॉज इफ यू डोंट नो दिस यू एक्चुअली कांट स्टार्ट विद द सम. ठीक है. लेट अस सी अमेरिकन एंड यूरोपियन ऑप्शन. अब क्या होता है अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शन.
देखिए, जब भी आप ऑप्शन में ट्रांजैक्ट करने जाते हैं तो आपको टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। एक मिलता है अमेरिकन, एक मिलता है यूरोपियन। अब इसका मीनिंग क्या है, आप कोई भी ऑप्शन को खरीदते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट होती है, राइट। एक्सपायरी डेट 1 मंथ की क्या होगी, द लास्ट थर्सडे ऑफ दैट मंथ। तो मैंने समझ लीजिए जून की एक ऑप्शन खरीदी, ठीक है, तो अब मुझे लास्ट थर्सडे तक वेट नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एक्सपायरी तो लास्ट थर्सडे, तो मुझे नहीं वेट करना, आई वॉन्ट टू एक्सरसाइज इट एनी टाइम बिफोर दैट, सो आई हैव दैट राइट थ्रू अमेरिकन ऑप्शन। क्लियर है? देखिए, वापस मैं बोलती हूँ, अगर मैंने 1 महीने का, दैट इज जून का, ऑप्शन बाय किया, ठीक है, कॉल ऑप्शन बाय किया, ठीक है, अब ये एक्सपायरी लास्ट थर्सडे को होने वाली है, बट मेरे को ऐसा ऑप्शन चाहिए जो मैं थर्सडे तक वेट ना भी करूँ, मैं कभी भी एक्सरसाइज करूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 दिन बाद, फॉर एग्जाम्पल 15 दिन बाद, मैं कभी भी थर्सडे के पहले वो एक्सपायर कर सकूँ या एक्सरसाइज कर सकूँ, उसको मैं बोलूँगी अमेरिकन ऑप्शन, ठीक है। अब पढ़ते हैं, फिर अपन यूरोपियन पे जाते हैं। एन ऑप्शन दैट कैन बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम अप टू द एक्सपीरेशन डेट, यानी कि लास्ट थर्सडे अगर समझ लीजिए 29 जून है, तो 29 जून तक आप कभी भी, मतलब 27 जून हो या 25 जून हो या 15 जून हो, आपको जब कभी एक्सरसाइज करना है, यू कैन डू इट इफ यू हैव टेकन अ अमेरिकन ऑप्शन, ओके। एन ऑप्शन दैट कैन बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम अप टू द एक्सपीरेशन डेट इज नोन एज अमेरिकन ऑप्शन, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। अब यूरोपियन क्या होता है, देखिए, इसने तो आपको हक दे दिया कभी भी करें, बट यूरोपियन ऑप्शन आपको हक नहीं देगा, वो बोलेगा यू कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन ओनली ऑन द एक्सपीरेशन डेट। दैट मीन्स अगर 28 जून आपका एक्सपीरेशन डेट है, तो आप उसी दिन एक्सरसाइज कर सकते, उसके पहले आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। क्लियर है? एन ऑप्शन दैट कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन द एक्सपीरेशन डेट और डे इज नोन एज यूरोपियन ऑप्शन, ओके। आप एक चीज से याद रख सकते हैं इसको, ए फॉर अमेरिकन है तो ए फॉर एनी टाइम, ठीक है। अमेरिकन को आप कभी भी एनी टाइम बिफोर और ऑन द डेट ऑफ एक्सपीरेशन कर सकते हो, क्लियर। अब यूरोपियन क्या है, एक्सरसाइज डेट पे ही कर सकते हैं, तो इट कैन बी ओनली एक्सरसाइज एट द एक्सपीरेशन डेट। तो ई फॉर यूरोपियन, ई फॉर एक्सपीरेशन। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ टू 12th एंड द 13th ऑप्शन। आपने अगर इंडेक्स सुना होगा निफ्टी और सेंसेक्स, तो ये आपके लिए बहुत ही इजी होगा समझने के लिए। देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी क्या है इंडिया में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुना होगा, तो उसका एक मार्केट इंडिकेटर है, उसको नाम दे दिया गया सेंसेक्स, ठीक है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके इंडिकेटर को नाम दे दिया गया है निफ्टी, ठीक है। अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे ना एक कंपनी या दो कंपनी के में पैसा नहीं लगाना, मुझे पूरी मार्केट पे एक साथ पैसा लगाना है, जैसे कि पूरे मार्केट का कोई ऐसा इंडिकेटर हो जो मैं लगाना चाहता हूँ पैसा, तो वो इंडिकेटर क्या होता है, एज अ होल ऑफ द मार्केट, दैट इंडिकेटर इज कॉल्ड एज सेंसेक्स निफ्टी। क्लियर है? उसको एक्चुअली बोला जाता है ये मार्केट इंडिकेटर को इंडेक्स, सेंसेक्स निफ्टी इज अ टाइप ऑफ इंडेक्स, ठीक है। और भी इंडेक्सेस है, बट दिस आर द मेन इंडेक्सेस, ओके। अभी अगर आपको पता हो, निफ्टी में 50 कंपनीज को एक साथ डाला हुआ है, एंड सेंसेक्स में 30 कंपनीज को एक साथ डाला हुआ है, ठीक है। ये सब आप सेंसेक्स निफ्टी जब देखेंगे तब देख लेना, ठीक है। बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इंडेक्स, ठीक है। अब इंडेक्स का मतलब क्या, मैं पैसा किस पे लगा रही हूँ, एज अ मार्केट इंडिकेटर, ठीक है, कंपनी पे नहीं, बट एज अ मार्केट इंडिकेटर। देखिए, एन ऑप्शन विद अंडरलाइंग असेट बीइंग अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज कॉल्ड एज इंडेक्स ऑप्शन। अब यहाँ पे मेरी अंडरलाइंग असेट एक कंपनी का शेयर नहीं हुआ, ना मेरी कोई कमोडिटी हुई, यहाँ पे क्या हुआ मेरा अंडरलाइंग असेट, अंडरलाइंग असेट इज अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स, जो भी इंडेक्स पे आप लगा रहे हो, आप सेंसेक्स पे लगा रहे हो तो वो आपका इंडेक्स ऑप्शन हो गया, अगर आप निफ्टी पे लगा रहे हो तो वो आपका इंडेक्स ऑप्शन हो गया, ठीक है। अभी देखिए, इंडेक्स एज अ मार्केट हो गया, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग एक ही कंपनी में लगाते हैं, तो वो तो ऑप्शन अवेलेबल होगा ही, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक ऑप्शन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैंने कंपनी के शेयर्स पे लगाए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक ऑप्शन। एन ऑप्शन विद द अंडरलाइंग असेट बीइंग अ स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक होगा अगर अंडरलाइंग असेट, तो उसको हम बोलेंगे स्टॉक ऑप्शन, ओके। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ऑन TCS, रिलायंस एक्सेट्रा, अगर पर्टिकुलर कोई भी कंपनी का मैंने ऑप्शन उठाया उस कंपनी के शेयर्स का, तो उसको हम बोलेंगे स्टॉक ऑप्शन, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर द होल सिनेरियो ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। हमने ये देखा कि ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर्स ऑप्शन का डिस्टिंक्शन क्या होता है, मेनी थिंग्स वी आर डिस्कस टिल नाउ, ठीक है। आई होप इट कुड मेक मेनी पॉइंट्स क्लियर। इनफैक्ट मैंने पूरा ट्राई किया कि पूरे ऑप्शन का जितना भी बोलते हैं ना रस होता है ना,
वो रस पूरी तरीके से मैं आपको ये 4-5 वीडियोस में बता दूं कि आप कभी लाइफ में कभी अटके ही नहीं ऑप्शन से. और वी एंड अप विद द होल टर्मिनोलॉजीज लेक्चर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, काइंडली नोटेड डाउन इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, बिकॉज इट विल ऑलवेज बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. ठीक है, विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन. ओके, बाय बाय.